बदबीज हा, यहाँ पे हमारा रेडी हो गया दम पोख्त। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट हो रहा है, ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज के दिन है ईद का, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ईद के लिए 5 मिनट रह गए हैं, हमने अभी जल्दी जाना, साथ मेरे दोस्त भी है, अब हम जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। तो ईद की नमाज के बाद आपको मिलता है। नमाज वगैरह होगी, अभी हमारा प्लान है नाश्ता करने का और नाश्ता करेंगे। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ रोटियाँ लेने, रोटियाँ लेके नाश्ता वगैरह करना है। अभी मैं ये हूँ हवर लॉज में, शॉप पे दूर है, अभी 3-4 मिनट लगेंगे। बस रोटियाँ लेके फिर दोबारा रूम पे जाना है, रूम पे जाके नाश्ता करके उसके बाद ड्यूटी। तो फाइनली हमने ले लिया पराठे, दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था रोटियों वाले, और हमें आखिरकार मिल गए हैं। अभी मैं आ गया हूँ ड्यूटी, ड्यूटी आया तो सोचा, दिल किया जूस वगैरह पी लूँ, तो जूस लिए अपने लिए। ड्यूटी जाने से पहले जूस पी लेना चाहिए, क्योंकि अभी रोज़े भी रखे हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो गई है, आज रोज़ा भी नहीं है, तो सोचा जूस वगैरह पी लें। अगर आप लोगों ने पीना है तो आ सकते हैं। अच्छा, तो अभी पेट पूजा तो हो गया, जूस वगैरह पी लिया, अभी चलते हैं ड्यूटी, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और आज के जो मौसम है चेक कर सकते हैं, ये ब्लू कलर का आसमान, और ये साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये साथ में मार्केट पे, लेकिन ये भी खुली नहीं है, शाम को खुलेगी। इधर बहुत मज़े का माहौल होता है। अच्छा, तो ये रास्ते में मैं जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपके साथ एक बात शेयर करूँ। ये टैक्सी आप देख रहे हैं, कतार भी लगी हुई है। तो आज ईद का दिन है, आज इनका बहुत ज़्यादा काम है टैक्सी वालों का, बहुत जा रहे हैं लोग आगे पीछे घूमने के लिए, तो आज जो है ना टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं आप, बड़ा माहौल है यहाँ का। तो काम शाम तो है नहीं, अभी जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने, अंदर एक दोस्त है उसको कॉफ़ी ज़रूरत है, कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, और कॉफ़ी लेता हूँ। अशकानी पे जा रहा हूँ, अशकानी सुपर मार्केट है वो कॉर्नर पे, अशकानी है उधर, अभी मैं जा रहा हूँ। और बाकी जो है ना मौसम गर्म हो रहा है आस्ता आस्ता। अच्छा, चलो रोज़ा नहीं है तो अभी मौसम कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इतने गर्मी में अगर रोज़ा भी रखो और चलो फिरो तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और वैसे ये जो व्लॉग है ये आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, क्योंकि आज तो हमारे कंट्री में रोज़ा है, ईद नहीं, और यहाँ पे ईद है, तो हम ये व्लॉग नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे, ताकि हमारे व्लॉग दूसरे लोग भी देख सकें। और ये बताएँ कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, शाम को प्रोग्राम भी है वो भी करना है। ये भी मैं आ गया हूँ अशकानी, इधर से लेंगे हम 3-in-1 कॉफ़ी। ले ली इधर से, अभी जाके देता हूँ उनको कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी काम वगैरह नहीं कर, लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली, मैंने तो जूस पिया थोड़ी देर पहले, तो मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी। अच्छा, तो मैं अभी आ गया हूँ अपने रूम में, ड्यूटी वगैरह ख़त्म हो गई है, चेंजिंग वगैरह मैंने अभी कर ली है, और अभी थोड़ी बहुत मेरी शेप बड़ी है, उसको शेव करता हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं खवानीज। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ खवानीज, अभी वो हाथ धोया, तकरीबन 30-35 मिनट लगे और मैं इधर पहुँच गया हूँ। अभी खाना वगैरह रेडी है, और ये जो बकरा आपको नज़र आ रहा है इसी को हमने अभी डाला है कढ़ाई में, पकाया है, और अभी हम इसको खाएंगे, आपको दिखाता हूँ मैं साथ। ये अभी हमने बनाई सिर्फ कलेजी, ये साथ और भी पड़ा हुआ है, इसको हमने हलाल किया है, ये भी है, ये रात को हम इसके प्रोग्राम करेंगे, टिक्के भी बनाएंगे, और साथ में क्या बात है, दम पोख भी बन जाए,
साथ में गोश्त और चावल भी। अच्छा ये अभी हम इधर दम पोख रेडी कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 किलो गोश्त डाल लिया, और अभी इसके अंदर और भी कुछ डालना है आपको दिखाता हूँ साथ। तो इसके अंदर अभी हमने 4 से 5 प्याज डाले हैं तकरीबन आधा किलो, और साथ में इसके अंदर थूम और अदरक का पेस्ट भी डाल लिया है। 4 से 5 प्याज डाले हैं, और अभी हम ज़ीरा डाल रहे हैं इसके अंदर। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने रख देना है अपने चूल्हे पे, बिल्कुल मीडियम मीडियम सी हल्की आंच पे रखना है इसने तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट के बाद इसको हमने थोड़ी सी आंच और कम करके तो इसको रख देना है तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। ये हमारी दोस्त भी आ गई हमें मिलने के लिए, तो बात नहीं कर रही, नाराज़ है हमसे, ये नाराज़ है हमसे। और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं टिक्के। टिक्के के ऊपर हमने डाला है थूम अदरक का पेस्ट, साथ में थोड़ी सी मिर्ची, और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर डाला है ऑयल। ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप शॉप से लेकर ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सही मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने डालना है ये सिरका। सिरका डालना है इसके ऊपर, ये सिरका डाल रहा है अभी। तो अभी सीन ये है कि हमारा दम पोख रेडी हो गया है तकरीबन तकरीबन अभी 8 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद हमारा दम पोख रेडी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम अभी टिक्कों के भी लिए तैयारी कर रहे हैं, आग वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ साथ में, ये दोस्त इधर बैठे हुए हैं आग वगैरह रेडी कर रहे हैं, उसके बाद हमने टिक्कों का प्रोग्राम करना है। टिक्के खाएँगे, उसके बाद हमारा दम पोख भी रेडी हो जाएगा, उतने टाइम तक हम फिर खाएँगे अपना दम पोख। ये हो गया हमारा, आग वगैरह रेडी हो रही है इधर। तो ये अभी हम बारबेक्यू के लिए सीख वगैरह रेडी कर रहे हैं, सीखों में डाल रहे हैं गोश्त, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसका होगा फाइनल स्टेप, और उसके बाद हम इसको खाएंगे। और यहाँ पे हमारे जूसेस से अच्छे से प्यारे से और मजे मजे वाले टिक्के तैयार हो रहे हैं। फाइनली ये रेडी हो गया, अभी खाने लगे हम। अच्छा तो अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 10:50 होने वाले हैं। तो अभी हमारे टिक्का का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अभी हमने खाना है दम पोख। तो ये भाई अभी इधर रोटी बना रहे हैं, और रोटी भी बनाएंगे ड्रम के ऊपर, बड़ी वाली रोटी। ड्रम के नीचे आग लगा दी है, और अभी इसके ऊपर हमने रोटी डालनी है। जब ये ड्रम गर्म हो जाएगा, वैसे तो हम घर में तवे बनाते हैं, लेकिन ये ड्रम जो है ना, इस पर हम बड़ी रोटी बनाएंगे, देखिएगा। ये रोटी हमने डाल दी है ड्रम के ऊपर, ये हम किसी गांव में नहीं है, ये हम दुबई में हैं, और इधर हम अपनी रोटी बना रहे हैं ड्रम के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेडी हो गया दम पोख, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, अभी इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट हो रहा है, ये देख सकते हैं, मुझे तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, खबर नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन आपको भी दिखाना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं, ये है हमारा दम पोख। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने दम पोख रेडी किया था वो भी खा लिया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। और अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा इस वीलॉग के साथ, और अगर मेरा ये वीलॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।